इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाने के लिए डाकघर में जमा भी। नेटवर्क न होने से लोगों में देखी गई निराशा। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में विभिन्न योजनाओं के लिए जहां आम जनता पिछले 5 साल जनसेवा केंद्र, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के यहां चक्कर काटती रही है, किसी तरह उसे योजना का लाभ मिल पाए। किसान निधि योजना, श्रम योजना के लिए लोग इधर उधर भटकते देखे गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाने के लिए लोग भटकते नजर आए हैं। आपको बताते चले कि बुधवार को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाने के लिए लगी हुई है। वही डाकघर में महिलाओं की भीड़ काफी देखने को मिली है। वही नेटवर्क के ना होते महिलाओं को वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नवाबगंज में स्थित डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाने के लिए महिलाओं की व पुरुषों की काफी भीड़ देखी गई, लेकिन डाकघर में नेटवर्क ना होने के कारण लोगों को वापस आना पड़ रहा है। इस संबंध में जब पोस्ट मास्टर राधेश्याम से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया, जब तक नेटवर्क नहीं हो पाएगा तब तक कैसे कार्य हो, नेटवर्क उपलब्ध होने पर ही खाते खुल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिनों से नेटवर्क बाधित है और सारा कार्य ठप है। हम इस वक्त नवाबगंज डाकघर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर महिलाओं की काफी भीड़ लगी है जो अपना पासबुक अकाउंट आईबीपी अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पर आई हुई है, लेकिन नेटवर्क डाउन होने के कारण यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में हम यहाँ के डाकघर के पोस्ट मास्टर से मालूम करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधेश्याम। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे यहाँ नेटवर्क एरर है। तो ये लोग कब आए? अब जब नेटवर्क चलेगा तभी हो। अखंड भारत न्यूज के लिए समील अहमद अंसारी की रिपोर्ट, नवाबगंज बहराइच।